चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ 60 केजी मैन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग स्केल इन द लिफ्ट, एट सम इंस्टेंट ही फाइंड्स स्केल रीडिंग हैज चेंज फ्रॉम 60 केजी टू 50 केजी फॉर अ व्हाइल एंड देन कम्स बैक टू द ओरिजिनल मार्क, व्हाट शुड वी कंक्लूड। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि जो वेट है 60 केजी टू 50 केजी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इफेक्टिव एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, तभी तो वेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको मास तो डिक्रीज करता नहीं है, तो आपको यह ध्यान रखना है। पहले केस में लिफ्ट हैज अ कॉन्स्टेंट फॉरवर्ड मोशन, यानी स्पीड की वैल्यू का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट मोशन कर रहा है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर होगा। दूसरे ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, स्पीड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन मोशन का नीचे की तरफ, लेकिन कॉन्स्टेंट मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन इस केस में भी जीरो होगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस केस में भी जी होगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। लिफ्ट वाइल इन कॉन्स्टेंट मोशन अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा तो रहा है, मोशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन सडनली स्टॉप होता है, स्टॉप सडनली, इसका मतलब है रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अगर कोई बच्चा, कोई आदमी खड़ा है लिफ्ट में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ होगा, लेकिन सूडो फोर्स इस केस में ऊपर की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू m into a के बराबर होगी। तो जो नेट फोर्स होगा इस केस में कितना हो जाएगा, इफेक्टिव g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव g की वैल्यू हो जाएगी g माइनस a। ये पॉइंट आपको याद रखना। तो नेट फोर्स जो होता है fg माइनस fa, यानी सूडो फोर्स fp, fg की वैल्यू है mg माइनस ma, और m कॉमन ले लें तो g माइनस a, यही इफेक्टिव एक्सेलरेशन है g माइनस a। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तभी तो वेट भी डिक्रीज करेगा। और चौथे केस में क्या हो रहा है, सडनली स्टॉप कब, जब मोशन अप डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन नीचे की तरफ है और सडनली जो है वो स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कोई बच्चा इसमें खड़ा है तो ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, और साथ ही साथ सूडो फोर्स भी नीचे लगेगा। तो जो नेट फोर्स इस पर्टिकुलर केस में होगा वो होगा fg प्लस fp। तो fg की वैल्यू mg और fp की वैल्यू m इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा, एम कॉमन लेना g प्लस a, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, g प्लस a, यानी वेट बढ़ जाना चाहिए लेकिन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है थर्ड केस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।